हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा एक से कक्षा दो के विषय इंग्लिश का गृह कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दी गई है वर्कशीट 51, जिसमें हम देखेंगे आर्टिकल्स का यूज़ करना, जिसमें हम देखेंगे ए एंड दी आर्टिकल का यूज़ करना। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि एन का प्रयोग कहाँ होता है। जो आपके वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, इनसे पहले आप एन का यूज़ करेंगे। बाकी सभी से पहले ए और दी का प्रयोग करेंगे। दी पर्टिकुलर अगर थिंग दे रखी है तो नाम, तो अगर हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो दी का यूज़ करेंगे, बाकी जगह ए का यूज़ करेंगे। और एन का यूज़ तो आपको पता ही है वोवल के आगे करना है। तो जैसे यहाँ दे रखा है माय फ्रेंड रोहन हैज़ ब्लैंक अम्ब्रेला, ब्लैंक अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ लिखेंगे माय फ्रेंड रोहन हैज़ एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर की बात हो रही है तो यहाँ दी लगा देंगे। पायल हैज अ डॉग, द डॉग इज ब्लैक। आई हैव अ हैन, इट लेज एन एग डेली। We all are living in a house. Once we went to see the Taj Mahal. My father likes to eat an ice cream after lunch. Next likhenge, a thief is not a good person. I eat an apple, a banana and a guava every day. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ए एंड दी आर्टिकल का यूज़ करना। ये था आपका आज का गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी सब्जेक्ट से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।